कालू तू गयो काम से। मुझे पता नहीं था, पर उन्होंने आपका इंतजार करता चाय के लिए। और अंकल हाउ आर यू, शर्ट अच्छी लग रही है आपके ऊपर। जिनको भी गर्मी लगे सारे जगह खरीद लो। अंकल यार एक चीज देखो, चाय पी गया, बिस्किट खा गया, केले खा गया, अभी पोहे खा रहा है, और छोले कुलचे मंगा लिया यार। इतने दिनों से आया है तो वो तो बड़ास तो निकालेगा ही पूरी, तो खुद हमें खिलाना चाहिए ना। इतने दिनों में आया, पैसे कमा रहा है, दमादम छाप रहा है। कल तुम्हारे को पार्टी दे देगा। कल है तो समझते हैं, अब रहने तू। सुनो मेरी बात, कल से ये आएगा नहीं, दो महीने फिर। कौन ये? आजकल इसकी डेट फिक्स है सारी की सारी। लाली गोरा गोरा कैसे हो गया? गोरा और ऊपर से इसका मेकअप वेकअप और करा के रखता है। मेरे को बता यार। अरे अंकल आजकल तो जैसे ही प्रमोशन बनाता है तो पहले मेकअप और करता है। बताता यार, ये देखो मैं ये लगाता हूँ। मेरे को तो नहीं मना दीजिए। अरे ये अब परिवारों का नीरा है ये। अभी अब परिवार बनाने वाला हो गया। चो क्या कर रहे हो तुम? पर हम कालू के मजे ले रहे हैं यार, तुम आई नहीं रहे। हम तो सुन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ गाइज, एक और चीज, हमारे ना शॉपिफाई पे ग्लिच आ गया था जो कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे सॉल्व करना है। कस्टमर केयर वगैरह सबसे बात करके ऑलमोस्ट काफी दिन लग गए उसको सॉल्व करने में। हाँ ऑलमोस्ट 15 डेज लगे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं हो पाए। कार्ट में ऐड रखे हुए थे, मतलब इतने ऑर्डर मैंने आज तक अपने कार्ट में ऐड हुए भी नहीं देखे लोगों के, कि अटके हुए हों। तो उसके लिए सॉरी, मतलब जिनके भी कार्ट में ऐड है वो ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब 1000 से ऊपर वाला ऑर्डर नहीं हो रहा था प्लेस, 1000 से नीचे वाले तो हो रहे थे प्लेस। तो कुर्तियां और एक्स्ट्रा जो लोग बाग शॉपिंग कर रहे थे वो नहीं हो रही थी, तो उसके लिए सॉरी। अब आप प्लेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस जगह से ये हिला नहीं है। चौथी चीज आ गई इसके हाथ में, बिस्कुट केले चाय तीन, और ये चौथी बिस्कुट जूस भी, पांच हो गई। दूध है, दूध भी लो भाई, केसर का दूध आया, मैं तो शादी नहीं हुई अभी। सबको तेरे लक्षण दिख रहे हैं। तो गाइस आज जो है काफी हेक्टिक दिन रहा, काफी चीज हम नहीं शूट कर पाए, बट अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज शूट हो रही है वो ये है कि मेरे को के बाल कट रहे हैं। और हम संजीव भैया के अलावा आपको पता है कहीं और जाते नहीं है, ना हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ना हम किसी से बाल कटवाते हैं। एंड लिटरली संजीव भैया के हाथ में कुछ ऐसी चीज है जिससे बाल भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एंड भाई मैं तो 100 बार कह चुकी हूँ कि मेरा हेयर फॉल उन्होंने 100% सही किया है, तो मतलब आप समझ सकते हो। तो बस उन्हीं के पास मीकू अभी है, मैं वापस उसके पास जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे नेल एक्सटेंशन कराने थे, पास में नेल एक्सटेंशन की शॉप थी, तो मैंने कहा यार मैं एक बार जा जाती हूँ, बट उन्होंने कहा 3-4 घंटे, मतलब 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता, सॉरी मैं अब जा रही हूँ मीकू के पास, क्योंकि यार वो जितना एंटरटेनमेंट हो रहा है ना अभी वहाँ पे, वो छोड़ के हम जा नहीं सकते। तो अभी आपको दिखाती हूँ, बड़े मजा आने वाले, कि उसको क्या बहुत डर लगता है मेरे बाल ये मेरे बाल वो, तो वैसे डरा रहे हैं भैया उसको ना, बड़े मजे ले रहे हैं भैया। मेन तो उसके बहुत मजे ले रहे हैं कि मैं तेरे कलर कर दूंगा कर दूंगा, तो उसके बड़े मजे आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यार मुझे तो लगा आप मीकू को कुछ डरा बरा रहे होगे यार। मैंने उसको मैंने पहले तो स्पा रूम में भेज दिया ताकि उसके अच्छे बाल कर दूं, बिकॉज हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना भैया। मैं सोचा आप उसको डराओगे तो अपन ब्लॉग बनाएंगे। अभी उसके बाल पहले ठीक कर दें, देन हम मेकअप और करने वाले। ओके अच्छा भैया बता दो तो आप इसके बालों के साथ क्या कर रहे हो एक बार। इसके बालों में क्या है कि छुमंतर होने वाला है, मतलब जो ऑलरेडी चलता रह रहा है, लेकिन अभी आज से मतलब ये डन है कि हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाए। और अब ये कह रहे हैं तो फिर मान ही जाओ, फिर मुझे मानना पड़ेगा। नहीं मान गया, नहीं हो गया, और अभी आप देख भी सकते हैं, देखो एक भी बार नहीं आया। जब मैं पहली बार पहले दिन आई थी मैं बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को यही बात बोली थी कि तेरे बाल अब नहीं टूटेंगे, और सच में नहीं टूटे। तो आज मतलब यही होने वाला साथ में, मैं कोई टेंशन नहीं, मैं जा रही हूं। बाय। रेडी है फिर तू? वो भैया भी रेडी एकदम तेरे बाल काटने के लिए। ओह माय गॉड मुझे डर तो लग रहा है। भैया बस तेरे बाल कटने वाले हैं। सो आज देखिए बिल्कुल बाल शॉर्ट करने वाले हैं, ब्लंट कट। ब्लंट कट करेंगे, इतने इतने बाल छोटे छोटे से, बस इतने इतने, ठीक है। इसको बहुत दिनों से देख के रखा हुआ है, इसको ये लेयर वाला कट चाहिए। मुझे पता है कि इससे हेयर कट होने वाला है, तो इसमें
आपको हेयर कलर के और हेयर स्पा के सबके वीडियोस शॉर्ट में देख रहे हैं तो भैया के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और अगर जिसको हेयर फॉल हो रहा है ना वो तो पहले भाग के चलेगा। मम्मी का कट इतना सुंदर लग रहा है, ये देखो ये तो बहुत सुंदर है यार, वाओ, मतलब जैसे मैंने इमेजिन किया था ना, डिट्टू वही है। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, प्लीज मेरी नजर ना लगाई। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा हेयर कट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। और आज ये मतलब इसका सेकंड टाइम हेयर कट हुआ, वो भी किससे हुआ? भैया से। और पहला भी इन्हीं ने किया था। तो आई एम लकी, मैं बहुत लकी था। लकी क्या क्या करवा के आ गए तुम लोग? हेयर कट करवाए भैया, ये देखो अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल पागल पागल गिरी, क्या कैसे लग रहा है? मारूंगे पकड़ के, मुझे तो अजीब से लग रही है। अच्छा लग रहा है? मुझे तो अजीब से लगे यार, मुझे तो पहचान भी नहीं है कि बाल खोलती अलग लग गई। तो बाल खोल के तो अलग ही लगेगी ना पागल। भाई मुझ मैं किसके साथ प्रैंक करूंगा? इसने स्टोरी दिखाती, मैंने बोलती मैंने कि इसने कैसे अजीब से शक्ल चेंज हो गई। तुम लोगों का प्लान नहीं है, मेरी तरफ से प्लान मान ले, कुछ ही मान ले। गाइस मैं अच्छे लग रही हूँ खुद को तो, लेकिन अबे भाई शेमड़ी लग रही सोचा क्या है वाले से पहले? संजीव भैया से पहली गलती हुई है। और ज्यादा मत बोलो ठीक है ना। संजीव भैया देख लो क्या बोल रहा है, मैं तालू अच्छी नहीं लग रही क्या? गाइस धोखा हुआ है क्या? फिर अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रहा है, मुझे अच्छी लग रही, मुझे पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी। मैं तो अच्छी लग रही, मैं अपनी बात क्यों मानूं? अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, अच्छा लग रहा है। हाँ मस्त मस्त मस्त, कभी मैं इतने सवाल करके सामने आ जाऊँ ऐसे बंदूक लू। कल रात को हम लोगों ने ना हितेश को इतना भयंकर डरा दिया, ये देख लो कि ना रात को क्या हुआ। उसको ना एकदम से ट्यूबवेल ने कुछ हाथ हिलाया होगा फ्लैश के साथ, तो इधर से कोई परछाई जाते हुए दिखी। यहाँ रात को लेट बैठा हुआ, 2 बजे एडिटिंग कर रहा था, इस जगह बैठ के ना उसको एकदम से कुछ दिखा जाते हुए। अब क्या ट्यूबवेल से घुंघरू बजाय, अब वो उधर की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर एक और बार ऐसे शेडो बनी, कुछ ऐसे शेडो जाती हुई गई है ना। तो डर गया भयंकर, और भयंकर डर के हमारे कमरे में आके बैठ गया। बोले भाई अंदर पीछे से कुछ गया भाई, एक बार गया तो समझ में आता है, दूसरी बार भी चला गया। तो वो एकदम से उसके मन में डर बैठ गया रात को, और हम लोग का प्लान ही था कि भाई घुंघरू बजा के उसको डराना है। अब क्या वो सामने वाले कमरे में भानु के साथ और सो गया। से नहीं डरे वो, पता क्या बोले कि आवाज ना पंखे में से आ रही, गिरेगा ये पंखा। तो फिर मैं टिपुआ को मैसेज करा, यार ये इससे नहीं डर रहे, फोन में चलाओ घुंघरू। फिर रात को ना फोन में इधर की साइड एकदम शांति, छन छन छन, और 3 आवाज चलती है हर बार, बस छन छन छन, 3 स्टेप। और उनकी ना हिम्मत भी नहीं है कि वो उठ के देख ले कि कोई है या नहीं। हाँ उसको इतना डर लगता है भाई, वो हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा डरपोक है वो। वो तो बहन तो रात को फोन करता है, हेलो। हाँ इधर उधर सबको फोन कर रहा, मैंने फोन नहीं उठाया, टीपू ने फोन नहीं उठाया, टीपू तो एक बार फोन उठा के चला दिया, क्या भैया परेशान कर रहे हो यार। और उसको कम से कम है ना हमने 8 या 9 बार डराया, और आज क्या है बहुत बुरे डर गया, बहुत बुरे डर गया, बहुत बुरा। हम सबके बाद वो है ना रात भर फ्लैश जला के सोया है, लाइट तो बानु ने जलाने नहीं थी, उसको फ्लैश जला के सोया, एकदम से बार बार उठ के ऐसे देख रहा है। क्या बोल रहे यार तू मेरे ऊपर हाथ रख ले, ऐसे पकड़ के सो जा। तो इतना डर गया वो, हमें यकीन नहीं था इतना डर जाएगा। सामने वो बड़ा वाला पांडा रखा था, दिखाता हूँ। यहाँ पर सो रहे थे ये लोग, ये पांडा ऐसे ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन ये देख रहा था, बोले यार कैसे देख रहा है, इसको नीचे कर दे, इसको नीचे करके, इससे भी डर लग रहा है उसको रात को, बताओ भयंकर डर लग रहा, बताओ। हाँ अकेले तो बाबा, अकेले का 2 जनों के साथ भी नहीं जा रहा था ऊपर। तो तेरी कसम मेरे को ना घुंघरू की आवाज आ रही है, और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। पागल करे, हमको तो नहीं आ रही, हमें तो नहीं आ रही। हमने ना 1, 2, 3, 4, 5 जनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। हाँ, रात पता को नहीं चला। थोड़ी देर पहले उसका फोन आया कि यार भाई मैंने ना पंडित जी से पूछा है, कुछ तो गड़बड़ थी भाई कल। और भाई वो पूछ लिया इधर उधर भी कि भैया कुछ दिक्कत है क्या मेरे साथ, है कुछ सीन है क्या। रात को 3:30 बजे फोन कर दिया पंडित जी को, उठाया तभी वो आएगा, उसको बताएंगे सारी चीजें। और वो पता है अपन सब किए ना, यहाँ पे वो दिखेगी लाश, दिखेगी हम 4 जनों की, 4-5 जनों की दिखेगी। मैं तो उनके साथ था ना, मारेंगे वो आज। हाँ टीपू का बोलूंगा, टीपू का प्लान था, टीपू यहाँ पिटेंगे, बहुत बुरा पिटेंगे। और अंकल फिर यही शर्ट पहने आए यार, बहुत अच्छी लगती है, जो देखते देखते यार शर्ट अच्छी पहनी है।
तो फिर मैंने कहा चलो गंदी हो संदी हो पहन लो। बिकवाई तो आपने एक भी नहीं अभी तक। तुमने मेरे को कहा बिकवाने के लिए? तो यार अंकल यार बिकवाओ यार आप। यार अंकल कल ना हितेश को भयंकर हाँ पता है कैसे मैं बताता हूँ पकड़ेगा यहाँ से जा रहा जय महाकाल जय महाकाल मुझे कुछ नहीं हो सकता जय हो भगवान ऐसे चिल्ला रहा रात को 2 बजे चिल्ला रहा से ए, भाई बैठे बैठे ही सो गई थी ये तो हाँ यही आदत है ये रात को बिस्तर में बैठ जाएगी वो चिल्लाना लेके बैठे बैठे 5 मिनट को रील देख रही है लगातार मैं देखा सही में वही चीज हो गई चेंज होना बंद हो गया मतलब ये सो गई अभी तक तो चेंज हो रहा था म्यूजिक मैंने कहा यार एक म्यूजिक चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है। अंकल आंटी हमारा हितेश भाई कल बहुत डर गया है। अरे क्या हुआ? अरे यार अंकल पता नहीं आवाज आ रही थी बैंक का। मैं ना यहाँ पे बैठा 3 बजे रात को कुछ काम कर रहा था वैसे ऊपर से कुछ जा रहा तो मैंने सोचा कि बहन होगा मेरा फिर बोर बढ़ गया फिर मैं इसके बाद चला गया अंदर फिर मैं उस कमरे में जाके सोया बानू के पास फिर है ना सो गए और फिर 3 बार आवाज आई मुझे जैसे थोड़ी सी आग लगती ना थोड़ी सी भी छम ओ प्रॉपर छम छम वाली आवाज होती ना एकदम घुंघरू वाली एकदम हमारी 3 बार आई फिर मैं इसको बोला ये पता सब ऐसे बोल रहे की नहीं आई कुछ भी नहीं है फिर मुझे आई जारी पता नहीं कमजोर होते हैं ना उसको आती ही आवाजें पहली बार आई मुझे यहाँ पे इस प्लेट जिसके कमजोर होते हैं ना उसको ऐसा महसूस होता है जिसके घर अच्छे होते हैं ना उसको महसूस नहीं होता है मेरे को कभी नहीं महसूस हुआ आज तक मुझे भी नहीं हुआ कल ही हुआ है सिर्फ मुझे और मैं डर गया था उसी प्लेट में हुआ उसमें तो नहीं हुआ ना उसमें तो मैं गया ही नहीं था उसमें तो नाइट में रुका नहीं होगा नहीं भाई साहब कैसे हो सकता है क्या करें इसको पूजा वूजा कराएंगे इसके पंडित जी से इसकी क्या करें इसको क्या है कोई रिंग वगैरह छल्ला वगैरह बनवा के दो ताकि वो पहन ले तो फिर इसका सोने का छल्ला बनवा के दो हनुमान जी के मंदिर जाके आए नहीं जाके आज आज तो यार मंगलवार को जाऊंगा ना तो संडे आज तो बंद है एक तो हाँ हनुमान जी के जाया कर मंगलवार से रात को मैं पहले जाता था हनुमान चालीसा का पाठ किया आता था हनुमान चालीसा जब भी कभी ऐसा हो ना सीन हनुमान चालीसा का पाठ करना बैठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा मेरे शब्द क्या निकल रहा ओम नमः शिवाय जय श्री राम ओम नमः शिवाय अरे सुनो तो सही हनुमान जी राम ही निकल रहा है कोशिश करो नाम निकालने भाई पता है क्या सीन हुआ था कल ये सब किया था टीपू ने भाई कल रात से ही परेशान कर रहे हैं भाई सब मिले हुए थे सबके सब भाई फोन से हाँ दीदी भी आपकी दीदी अभी तू हमारे रूम में आके चेक तो करता हूँ इतनी तेज हंस रहे थे भाई तेरे को पता है टीपू जाता था वो छनछक जो तेरे को है ना उससे लग रहा था ना पंखे से आवाज आ रही है वो टीपू पहले कुछ बजा रहा था इनके वो बजा रहा था गहने तो उससे क्या गहने बजा के वापस भाग के आता था वो यहाँ पर उनसे तो आप डरे नहीं रहते आप बोले पंखा आवाज कर रहा है हाँ। चम चम के हाँ। फिर हमने फोन में चलाई डरावनी छम छम की आवाज 3 बार आवाज आती थी छन 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 जैसे तू बोलता था बंद हो जाती थी है ना तो उसको जैसे ही टीपू का आवाज आती थी ना कि तू उठ गया इतने में तो वो भाग के अंदर आके आंटी सब के सब पागल बना रहे तेरे को आवाज आएगी नहीं मेरे को फोन किया 3 बजे 3 बजे अरे नहीं टीपू को फोन किया मैंने रात को उस कमरे से मेरी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ तक आने की वही तो बोल रहा हूँ अरे वो परछाई वाली सीन भी ना वो टीपू वो कर रहा था उससे आई थी वो सब गया मेरा यार बेचारा चल कोई ना यार भाई कोई ना भाई टीपू था मेन टीपू ने बोला आज डराता हूँ मैं मोटा गया भाई उसको पकड़ लेना आज आ जाएगा मेन कैरेक्टर वो ही था मेन कैरेक्टर So, hello guys, welcome back to our YouTube channel, Shuyash. क्या नाम है अपना? सही बात है। Shuyash Blogs. मैं तो मजाक करता हूँ। सही, हम सही डराते हैं तेरे को। यार कल से ये ना। Guys, कल से मैं depression में था। कल रात को मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। ये सब के सब मिले हुए थे मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है अब देखना मैं क्या करता हूँ इनके साथ गाइस हमारे तो पता है क्या सीन है मैं कभी भी टेंशन नहीं लेता कपड़े वपड़ों की यशी ने खूब टेंशन ली और उसके सारे कपड़े आ गए सबसे अच्छी बात डिजाइनर कपड़े जो हमारे आ रहे थे यशी के तो सब आ गए और मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो लेट हो गए अब डिले हो गए तो मैं पहन के भी क्या करूंगा उनको आएंगे तो सर अभी भी कब आएंगे पता नहीं डिले हो गए किसी वजह से अब कल ही शादी तो अब अर्जेंट में मुझे कपड़े लेने जाना पड़ रहा है तो यशी तो एकदम फ्री है उसके सारे डिजाइनर लहंगे सब फिटिंग में है सब मस्त है मुझे तो ये लग रहा है मैं एक अलग सा लगूंगा उसके सामने गाइस तो किस्मत की बात होती है तो हम जो गाड़ी में बैठे सबकी खराब है मेरे अलावा तेरी
बच्ची तो बड़ी अच्छी है। आज सुबह तक तो उसने तांत्रिक के कोर्स भी ढूंढ लिए थे सुबह तक। भाई मैंने दो चार लोग पंडितों को फोन लगाया कैसा सीन हुआ, तो उन्होंने बोला कि बेटा हम चेक करते हैं। भाई मजा था। और सुन सुन करके बताते, अगर वो चेक करके हाँ बोल दे तो फिर समझ जाना भाई। और अंकल को तो क्या बोले, गन पता नहीं क्या क्या बता रहा है वो वाला की बोले लोहे का कुछ पहन ले, ये पहन ले। अंकल को भी तो अपने टीम में ले लिया था। अंकल आंटी को बता दिया था हमने सुबह पहले कि हम उन्हें नहीं यार। और क्या, और भाई इतने बड़े एक्टर हो ना तुम, तो सबके सब गाइस ये बात ही गलत है इनकी, ये बिहेवियर से रॉन्ग है इन सबका। तेरे को पंडित जी का नंबर दूंगा, वहाँ पर रहते हैं अपने पास में रहते हैं उनके पास जाना। भाई तू ही चले जाओ उनके पास। दोस्तों मेरी शॉपिंग हो चुकी है, कल मेरे कपड़े आ जाएंगे। ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो। गाइस ये मेरी शॉपिंग है। और गाइस मेरी शॉपिंग अभी हम करने जा रहे हैं। भाई यार भूख लग रही है यार, ठंडी कॉफी पिला दे। यार गाइस एक चीज तो है, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनरों के पास कपड़े देखो, फिर हमारे सिटी में आ जाओ जयपुर की। इतनी अंदर जाके भाई मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ दुकान होंगी अंदर, और क्या कपड़े मिलते हैं। गाइस हम है ना व्लॉग ही बनाना भूल गए, हमें ना चीजों में हम इतने उलझ गए थे। अब मैं जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने के लिए, डैडी से पैसे ले चुकी हूँ, उनका बहुत ज्यादा जी दुख रहा है पैसे देने में। मैं जा रही हूँ। तीन तीन हजार रुपए यार, नाखूनों के लोग वाग तो कटवाते, तू बढ़वा रही है यार डैडी। अरे यार क्या, तो यार ये कोई काम होते हैं यार, तुम भी लो। चलो आप इनको ड्रेसेस लेके आनी है अपनी वाली, कहाँ से आनी है लेके आनी है, आनी है लेके आनी है मालवीय नगर से। हमने ड्रेसेस तो रिसीव कर ली है, क्या हो गया, हाँ तो हैवी तो होगी यार। मम्मी अरे धीरे गिरे, अरे भगवान। गाइस देखना यहीं पर, गाइस क्यों परेशान कर दो तुम मुझे, यहीं पर हॉरर सीन बन रहा था यार अभी। अब सही हो गई लाइट, अब सही हो गई लाइट। शिट भाई, ये देखो मतलब इनके बहुत रिफ्लेक्शन होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे ही नेल्स है, मैं सूरज को दिखाऊंगी। आजा अंदर आजा, नेल्स सुंदर है ना, कुछ तो बोल, अच्छे लग रहे हैं ना। बुराई करी मैंने तेरे किस चीज की, वो तो करेगा नहीं ना, तू डरता है फिर मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगी। ओह शिट बुरे लग रहे हैं, वापस करवाऊं? अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखो फोन की लड़ाई हो रही, वॉशरूम में फेंक दे गए। हाँ फेंक दो फेंक दो, मैं कह रहा हूँ खाली कर दे। अब सुनो मेरी बात, सबके साथ एक सूरज यशी दी 50-50 तूने हमारे टीम पर, हमारे टीम मेंबर का कैसे फोन चुराया है भाई, बताओ। तो ये नहीं है कि टीम मेंबर यार, मैं तो गाइस जितेश भाई के साथ नहीं हूँ। अब भाई अब फोन तेरा फोन तो चला जाएगा वॉशरूम में। आप तो बता दी क्यों बात, क्या वो रात को जो आदमी लोगों ने करा मेरे पे नाम लगा दिया। अबे साले मेरी बात सुनो, शुरुआत किसी की फोन छुपाने की, आप अरे वो छुपाया इसी ने था। इनका तो प्लान ही तेज डराते हैं, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है तेरी। येलो मान गए भाई, यही तो कमजोरी है तुम सबकी, कोई भी बोलता है और सब मान जाते हैं। रात को एक इंसान वहाँ पे आराम से सो रहा था, उस पर इंजाम लगा दिया सब पे, मैं गिरा दूंगा। भाई कल तेरे को डराने के बाद है ना, मतलब कंबल ओढ़ रहा भाई, कंबल भी ऐसे हिल रहा, इतनी तेज हंस रहा था ये। बहुत मस्ती हो गई गाइस, एंड आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।